तो आप हैं वो जिनसे बुआ ने कर्जा लिया हुआ था, आप ही से मिलने आए थे हम समझो। जितनी भी रकम बुआ ने आपसे ली थी उससे कुछ ज्यादा ही है, सब चाहे कैश करा लें डिपॉजिट करा लें आपकी मर्जी। हाँ बोल रूही, तुम खाला के साथ आई क्यों नहीं? अगर तुम आ जाती तो शायद मुझे शफा मिल जाती कुछ। तुझे जो लगा है ना वो इश्क का मर्ज है, वो भी लाइलाज। अगर अपनी खैर चाहता है ना तो ये इश्विश की चक्कर से दूर रह। ऐसे चक्करों में मारा गया ना तो तेरी माँ पूरी जिंदगी मुझे इल्जाम देती रहेगी। मेरा मर्ज लाइलाज नहीं है रूही, तुम हो मेरे मर्ज की दवा, तुम हो मेरा इलाज। मेरी मोहब्बत का दावा तो ऐसे करता है जैसे जिंदा ही मेरी वजह से है। हाँ हूँ, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ही जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी मेरी सारी खुशियां तुमसे वाबस्ता है रूही। रहने दे रहने दे, आज तक कोई ख्वाहिश कोई जरूरत तो पूछी नहीं है, बड़ा आया मरने जीने की बातें करने वाला। हाँ हाँ बोलो रूही, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेटेस्ट मोबाइल, वो भी टच वाला। टच मोबाइल? लेटेस्ट मोबाइल चाहिए? मैं दूंगा, मैं ला कर दूंगा रूही तुम्हें। और कुछ चाहिए? पहली फरमाइश तो पूरी कर दे, दूसरी भी बता दूंगी। ठीक है, मैं लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल लाऊंगा। और रूही एक बात और। हाँ बोल। जब तक खाला घर में वापस नहीं आ जाती ना, तुम घर में ही रहना और ठीक से सारे दरवाजों को कुंडी लगा के रखना। इस मामले में ना मेरी माँ को तेरे से ज्यादा फिकर है, कोना कोना तसल्ली करके गई है। तसल्ली? हाँ, वो मनहूस तो पैसा मिलने के बाद ना हमारे रास्ते में तो दूर की बात है घर के आसपास भी नजर नहीं आया। वो कोने वाले चचा है ना दुकानदार, बता रहे थे कल से तो मोहल्ले में ही नहीं दिखा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमें भी वो हमारे इर्द-गिर्द नहीं चाहिए, अच्छा है हमसे दूर रहे। हाँ यही उसके हक में बेहतर होगा, आइंदा कभी सामने आया ना तो ऐसी बेइज्जती करूंगी कि याद रखेगा। इसकी नौबत मैं आने ही नहीं दूंगा रूही, उससे पहले ही देख लूंगा उसको। रहने दे, पहले अपने पैरों पर तो खड़ा हो जा, दुकान पकौड़ों की और बातें महलों की। और सुन मेरी बात, अब जब तक मेरा टच लेटेस्ट फोन नहीं आता ना, यहाँ फोन मत करना। रूही, हेलो,